हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। राम दंड तो स्वयं तुम अपने आप को दे रहे हो, इससे अधिक दंड मैं और क्या दूंगा। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं। आसन ग्रहण कीजिए। अंतःपुर में चलते हैं। राम महाराज, मैं आपके हृदय की अवस्था समझता हूं। एक दुखिया पुत्री के पिता के मन में जो सैकड़ों प्रश्न उठते हैं वो इस समय आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आप वो सारे प्रश्न मुझसे पूछना भी चाहते होंगे कि मेरी पुत्री के साथ जो घोर अन्याय तुमने किया है वो किस कारण, उसका दोष क्या था। आप मुझ पर अमानुषी व्यवहार और एक निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार का आरोप भी लगाना चाहते होंगे, परंतु एक पुत्री का पिता होने की विवशता ने आपके जिह्वा पर ताला लगा दिया है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं पूछ पाते। मुझे यही आशंका थी कि आप एक दिन ये सारे प्रश्न मुझसे पूछने अवश्य आएंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। महाराज, आपके इन समस्त मौन प्रश्नों का मेरे पास एक ही उत्तर है। क्या आप जितने भी आरोप मुझ पर लगाना चाहते हैं वो सभी सत्य है। मैं परम दोषी हूं, मैं दोषी हूं आपका, सीता का। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। आप इसके लिए जो भी दंड मुझे देना चाहें वो मुझे स्वीकार है। राम दंड तो स्वयं तुम अपने आप को दे रहे हो,
इससे अधिक दंड मैं और क्या दूंगा। मैं तो विधिना का ये खेल देख रहा हूं कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं। मैं तुम्हारी ये तपोभूमि देख रहा हूं जहां पर एक राजा अपने राजमहल में रहते हुए भी साधु हो गया। राम, तुम्हारी ये अवस्था से मन में पीड़ा होती है और जो राजमहल की महारानी होकर निस्सहाय अवस्था में वनों में बारी बारी भटकती फिर रही होगी उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। ये जो तुम सीता को निस्सहाय कह रहे हो उससे पता चलता है कि तुमने मेरी पुत्री को पहचाना ही नहीं। राम, मेरी पुत्री निसहाय नहीं है, उसका सहायक है उसका धर्म, और जिस स्त्री की रक्षा उसका धर्म करता है वो कभी निसहाय और निर्बल नहीं रह सकती। यदि मेरी पुत्री सचमुच असहाय होती तो उसी दिन उसका पिता उसकी सहायता के लिए आ जाता। क्योंकि उसी रात मुझे पता चल गया था। उसी रात पता चल गया था, फिर आप क्यों नहीं आए? सीता का यही आदेश था और आज भी मैं आया हूं सीता का आदेश पालने के लिए। सीता का आदेश पालने? क्या आप सीता से मिले हैं? नहीं। फिर आदेश कैसा? जाने से पहले जब उसने त्याग करने नहीं लिया तब अपनी परिचारिका के हाथ उसने मुझे ये पत्रिका भेजी थी। उसमें उसने अपना ये निर्णय और कारणों का पूरा विवरण लिखा था। ये पढ़कर आप उसके निर्णय से कैसे सहमत हो गए? आपने यहां आकर उसका निर्णय बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम्हारे प्रयास क्या कम थे? फिर तुम उसका निर्णय कैसे नहीं बदल सके? तुम कैसे सहमत हो गए? उसने अपने तर्क से मुझे विवश कर दिया। इसी प्रकार उसने मुझे भी परास्त कर दिया। उसके आगे मैं हार गया, परंतु वह इस बलिदान से जहां तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ा गई वहां मेरा सर भी गर्व से ऊंचा कर गई। इस पत्रिका को पढ़कर सीता की पूजा और वंदना करने को मन होता है,
उस पर सारी नारी जाति युग युगांतर तक गर्व करती रहेगी। देखो देखो राम, जाते हुए भी उसे तुम्हारी ही चिंता थी, इसलिए तो उसने मुझे रोक दिया था। देखो देखो राम, जाने से पहले कितना मन करता है कि आपके श्री चरणों के दर्शन करके जाऊं। कौन जाने फिर इस जीवन में ये अवसर मिले या ना मिले, परंतु यदि आप यहां आएंगे तो राघव अपने को दोषी मानकर आपके सामने दृष्टि नहीं उठा सकेंगे। मेरे पति आपके सामने लज्जित हो ये मैं नहीं सहन कर सकती, इसके लिए आप अयोध्या नहीं आएंगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके लिए मैं अपनी शपथ आपको देती हूं। और एक बात की शपथ आपको देती हूं, यदि आप ये सुने कि मेरे जाने के पश्चात राघव अपने आप को नहीं संभाल सके तो आप उसी समय अयोध्या आएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। मेरे राम के पास इस समय कोई बड़ा नहीं है, पिताश्री रहे नहीं, माताएं बहुत दूर हैं, बाकी सब छोटे हैं, अपना दुख वो किसे बताएंगे। इस समय उन्हें आपके सहारे की बड़ी आवश्यकता होगी। इसलिए जब तुम्हारी अवस्था से विवश होकर लक्ष्मण ने मुझे यह संदेशा भेजा कि तुमने कितना कठोर व्रत धारण किया है, किस प्रकार तुम संसार से विरक्त होते जाते हो, तो मुझे आना पड़ा। भैया मुझसे आपकी यह मौन वेदना सही नहीं गए, कभी अपने मन की बात तो कहते नहीं, हम सबके सामने केवल मुस्कुराते रहते हो। एक मुस्कान से अश्रुओं की नदी पर बांध बांधा नहीं जाएगा, किनारे टूट जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, सारी अयोध्या डूब जाएगी, फिर क्या होगा। इसी आशंका से भयभीत होकर मैंने महाराज को संदेश भेजा, रघुकुल की नाव मझधार में है, इसे आकर संभालिए। राम, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मेरी पुत्री का बलिदान विफल मत करो।
उसने इतना बड़ा त्याग किया है तुम्हें आदर्श राजा सिद्ध करने के लिए, जो अपनी प्रजा को सुख दे, तुम दुख को अपना साथी बना लोगे तो दूसरों को क्या सुख दोगे? और फिर तुम्हारी आत्म पीड़ा की तरंगे सीता जहां भी होगी उस तक अवश्य पहुंचती होगी। अपनी विवलता से तुम उसे विवल करते रहोगे, क्योंकि पति पत्नी की आत्माएं एक गूढ़ संबंध में एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं। सीता के गर्भ में पल रही अपनी संतान के लिए तुम्हें अपने मन को पीड़ा के क्षेत्र से निकालकर कर्म के क्षेत्र में लगाना होगा। सीता की माता महारानी सुनैना ने भी मुझे तुमसे यही कहने के लिए कहा था। माता ने केवल संदेशा भेजा है, स्वयं नहीं आई। ठीक ही तो है, जिस अयोध्या में सीता नहीं उस मृत नगरी में आकर वो क्या करते? नहीं रानी, ऐसी बात नहीं, बहुत आना चाहती थी परंतु उसका स्वास्थ्य ऐसी अवस्था में है कि वो पलंग से उठ भी नहीं पाते। क्या हुआ माता को? बेटी का दुख, वो मां है ना, मां से अपनी बेटी का दुख सहन नहीं होता। जिस दिन पत्र मिला वो अपना कलेजा पकड़कर पलंग पर बैठ गई और आज तक फिर नहीं उठी। पिता की भांति उसका हृदय कठोर नहीं है, मां है, मां। मेरे पापों के फलस्वरूप सभी पीड़ा भुगत रहे हैं, वो मेरे लिए क्या सोचती होंगी? कैसा निर्दयी है राम, हमारी पुत्री के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है और वो जिसके कारण हमारी पुत्री इतना महान कष्ट भोग रही है वो दो घड़ी के लिए सांत्वना देने भी नहीं आया। यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे उनकी सेवा में जाना चाहिए। यदि ऐसा हो सकता है तो बड़ा उपकार होगा हम पर। तुम्हारे जाने से महारानी सुनैना को ढाढ़स बन जाएगी। तुम्हें देखते ही शायद वो बच जाए। मैं ये जानता हूं, फिर भी अयोध्या के महाराज को मिथिला बुलाने का साहस नहीं कर सका।
महाराज, राम अयोध्या का राजा सही, परंतु राम आपका पुत्र भी है। पुत्र को आज्ञा देने में पिता ऐसा संकोच तभी करता है जब उसे पुत्र में कोई खोट दिखाई दे। मेरे में खोट तो होगा ही। नहीं राम, तुम्हारे मन में खोट की कल्पना करना भी पाप है। मुझसे भूल हो गई, मुझे ये संकोच नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे आने से महारानी सुनैना को जीवन दान मिल जाएगा। अगर हो सके तो मेरे साथ ही चलो पुत्र, मेरे साथ ही चलो।